कुल्फ़ी बनाते समय हमसे कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस गलती को कैसे सुधारें इस रेसिपी में मैंने बताया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी शेयर करूंगी और टिप्स भी बताऊंगी, जिससे कि कुल्फ़ी क्रीमी हो जाए और बर्फ़ के क्रिस्टल ना जमे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनी है, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले 1 लीटर के करीब फुल फैट मिल्क है, उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो इस तरह से सब मलाई निकाल लेंगे साइड से, और एक स्टील का चम्मच, बड़ा चम्मच, इसे उल्टा रखकर मीडियम हीट पे छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम करेंगे और इसको छोड़ देंगे ताकि दूध बाहर गिरे नहीं, और 10 से 15 मिनट में चेक करते रहेंगे। और थोड़े 10-10 मिनट में हम देखते रहेंगे, इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। और मैंने कुछ कैश्यू नट और आमंड्स लिए हैं, इसे ग्राइंड करके रख लेंगे। और यहाँ पर 1/2 कप के करीब मैंने पाउडर मिल्क लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। अभी दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बहुत कम हो गया है, 400 ml के करीब है, 1/2 लीटर से ज़्यादा ही दिख रहा है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे। एक हाथ से मिक्स करना है और एक हाथ से चलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। है एक हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा है, इसलिए इसकी गुठलियाँ इस तरह से जम गई है। सिर्फ 1 से 2 मिनट और मीडियम हीट पे पकाना है ताकि कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से कुक हो जाए, मगर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो ये सब स्मूथ हो जाएगी। और ग्राइंड करके रखा हुआ काजू बादाम का पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। 100 ml तक कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कितना आपको मीठा चाहिए। फिर इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इससे कुल्फ़ी में टेस्ट भी अच्छा आता है। और ठंडा होने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, बहुत स्मूथ है। ऐसे मैंने आधा थोड़ा थोड़ा करके 2 बार ग्राइंड किया है, अच्छी तरह ग्राइंड करना है 2 से 3 मिनट तक। ये देखिए इस तरह से रनिंग बैटर होना चाहिए, थिक होना चाहिए, तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही स्मूथ और रिच फ्लेवर की बनेगी। और मैंने थोड़ा सी सेपरेट निकाल लिया है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टीस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर ऐड करेंगे तो मिल्क थोड़ा गर्म होना चाहिए, तो कोको पाउडर उसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपका मिल्क ठंडा रहेगा तो कोको पाउडर मिक्स नहीं होगा। इस तरह से मैंने 2 चॉकलेट फ्लेवर में बना लिया है। बस अब इसे डीप फ्रीज़र में रखना है 8 से 10 घंटे के लिए, और कुल्फ़ी मोल्ड में भी सेट करने के लिए कुल्फ़ी को रख दिया है। कुल्फ़ी को मैंने रात में बना के रखा था, अभी सुबह देख लेते हैं। 10 से 12 घंटे हो गए हैं करीब। लेते हैं, देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। यहाँ पर बहुत लाइट है इसलिए कलर नहीं दिख रहा है,
बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बन के तैयार हुई है। और कुल्फ़ी को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, थोड़े से भी आइस के क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं। आप इस तरह से बनाइए, आपकी कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी स्मूथ और रिच फ्लेवर की तैयार होगी। देखिए कट करके देख लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।